रिसेंटली गूगल ने एक नया टूल निकाला है डिजिटल मार्केटर्स के लिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी के अंदर अप टू डेट रहते हो तो आपने पक्का सुना होगा इसका नाम गूगल क्वेश्चन हब। अब ये चीज़ है क्या और कैसे आप इसका यूज कर सकते हो, आज मैं आपको बताऊंगा। अभी रिसेंटली ही शायद 2-3 दिन ही हुआ है, गूगल ने मेरे को उसका बीटा प्रोग्राम टेस्ट करने के लिए भेजा था। तो मतलब मैं आपको भी नीचे लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पर रजिस्टर कर लेना। अगर आपकी किस्मत रही तो आप भी बीटा एनरोल कर सकते हो, तो आप भी उसको यूज़ कर सकते हो। अभी वो फुल फ्लेज्ड लॉन्च नहीं हुआ है, अभी मैं आपको जो लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, जो भी चीज़ें दिखाई देगी वो हो सकता है जब बाद में इसका प्रो वर्जन लॉन्च हो, तो हो सकता है कि वो सारे के सारे फीचर्स चेंज हो जाए, शायद कुछ चीज़ें अपग्रेड हो जाए। तो अब क्या है, बेसिकली आप गूगल पे कुछ सर्च मारते हो, आपने सर्च मारा कि भाई साहिल खन्ना की मम्मी का नाम क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है, साहिल खन्ना यूट्यूबर की मम्मी का नाम क्या है। अब गूगल को आंसर तो पता नहीं है वाला, शायद हो सकता है किसी ने लिखा हो, गूगल ने उसको ढंग से इंडेक्स ना करा हो, गूगल ढंग से समझ ना पाए हो कि असली में ये डेटा इसके ऊपर है, ये है, वो है, वो है। तो क्या हुआ, गूगल ने एक टूल निकाल दिया जहां पे अगर आप उस पर लॉग इन करते हो और आप कैटेगरी को भरते हो तो वहां पे आपको पता लगेगा उस कीवर्ड के रिगार्डिंग कितने क्वेश्चंस पूछे हैं लोगों ने, और वहां पे जाके आप अपना आंसर सबमिट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लिंक्स, मतलब लिंक डाल सकते हो उस आंसर का। जैसे कि मान के चलो साहिल खन्ना के जो भी था, अब मान के चलो आपने इसके ऊपर ब्लॉग लिख रखा है, तो आप वहां पे जाके आंसर पे क्लिक करोगे और वहां पे जाके वो जो आपने ब्लॉग लिख रखा है उसका लिंक पेस्ट कर दोगे। तो अब क्या होगा, जब भी कोई सर्च मारेगा गूगल को पता लग जाएगा कि इसका आंसर इस ब्लॉग के अंदर है, और वो आराम से इंडेक्स कर पाएगा उस सारी चीज़ों को और बेटर रिजल्ट्स दे पाएगा। अब ये चीज़ें क्यों चल रही है, क्योंकि वॉइस सर्च आने वाली है, वॉइस सर्च का जमाना बहुत ही ज़्यादा तेज होने वाला है, तो उसके लिए लोगों को क्विक क्वेश्चन एंड आंसर खेलना होगा, भाई ये क्या है, गूगल को आंसर चाहिए, सामने वाले बंदे को आंसर चाहिए, क्योंकि गूगल के कॉम्पिटिटर ज़्यादा है, एलेक्सा भी काम कर रहा है, सीरी भी काम कर रहा है और गूगल भी काम कर रहा है। तो गूगल को टॉप पर रहना है, तो गूगल ने उसके लिए फ्यूचर हेड होके ये सारा का सारा काम किया है। तो चलो मैं आपको टूल दिखाता हूँ, टूल कैसे यूज़ करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एनरोल कर लेना, आ जाएगा, मेरे को उम्मीद है आप पे आ जाएगा। अगर कोई देख रहा है वहाँ का, कोई भी बंदा देख रहा है, तो प्लीज़ यार जो भी हमारे यहाँ से आ रहे हैं उनको अप्रूव कर देना ताकि वो भी यूज़ कर पाए। तो भाई ये लॉग इन कर लिया है मैंने अपने गूगल क्वेश्चन हब के अंदर, ये सब कुछ है इसके अंदर, बस छोटा सा इंटरफेस है, आप देख लो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चंस आएंगे जो क्वेश्चंस भर रखे हैं मैंने, स्टार्ट रहेंगे मतलब जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, हिस्ट्री जो मैंने भर रखी है, ये दो मैंने लिए है बैकलिंक्स, बेसिकली ये एक ब्लॉग है, जाके आप चेक कर सकते हो, अभी तक लाइव नहीं किया है मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, मतलब इसको ढूंढने के लिए आपको सिर्फ इसी लिंक को खोलना पड़ेगा, बताना मुझे कैसा बनाया मैंने। तो यहाँ पे मैंने इन क्वेश्चंस को आंसर कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे सीधा रख दिया, एक तरह से मुझे गूगल से बैकलिंक मिल रहा है, ये लेके चलो। अब मैं क्वेश्चंस के ऊपर जाऊँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कीवर्ड्स मैंने पहले से भर रखा था डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग मुझे टॉपिक्स पता लग गए, तो सारा का सारा मुझे पता लग गया कि लोग क्या सर्च मार रहे हैं, हाउ कैन एथिकल इशू अफेक्ट ई मार्केटिंग, व्हाट आर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑन ई मार्केटिंग, एक्सप्लेन द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ई मार्केटिंग इन इंडिया, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ ई मार्केटिंग। ये देखो ये सारे के सारे टॉपिक्स है जो लोग सर्च मार रहे हैं, मैं सीधा इस पे आंसर पे क्लिक करूंगा और यहाँ जाके अपना लिंक को मार दूंगा पेस्ट और कर दूंगा सबमिट, बात खत्म, बैकलिंक तैयार। अब अगर ये नहीं आ रहा तो जब आप नया खोलोगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करके इंटरफेस खोलता है, तो यहाँ पे मैं कोई भी इंडस्ट्री को टारगेट कर सकता हूँ, मान के चलते हैं मुझे एक नई इंडस्ट्री को करना है, मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि भाई यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है और ब्लॉगर्स के लिए चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल मैंने ब्लॉगर्स के अगेंस्ट बोला था उससे के लिए सॉरी, तो आपके लिए एक नई चीज़ लेके आ रहा हूँ। देखोगे लोग क्या सर्च मारते हैं, टोनर के रिगार्डिंग मारते हैं, स्प्रेडशीट, ये हिंदी क्वेश्चंस है, मतलब ये क्वेश्चन हब में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस आ रही है, ब्रदर ऑल टॉपिक्स, ये वो ये देखो सब कुछ मारा हुआ है। तो मान के चलो मुझे यहाँ पे खुद लिखना है, मैं लिख रहा हूँ अपना सैमसंग, अब मुझे सैमसंग के रिगार्डिंग हिंदी क्वेश्चन चाहिए या फिर इंग्लिश चाहिए, अगर आप हिंदी ब्लॉगर हो तो आप यहाँ से ऐड कर लोगे, अगर आप इंग्लिश ब्लॉगर हो तो यहाँ से ऐड कर लोगे। मैं मान के चलता हूँ मैं सैमसंग को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सैमसंग ऐड हो चुका है, मैं यहाँ जाके सी क्वेश्चंस पे क्लिक करूँगा,
यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, मैं नीचे जाऊँगा सेगमेंटेशन, फिलिप कॉटर एंड सैमसंग। ये देखो लोग सर्च मार रहे हैं, टुडे का ही है, सैमसंग गैलेक्सी जे सेवन प्राइम ब्लैक एंड गोल्ड का प्राइस क्या है। सही है ना, लोग सर्च मार रहे हैं चीज़ें, आया सैमसंग बॉट ये यूजिंग इट ये। अगर कुछ ऐसा है तो लिख दो, मतलब आप सोच पा रहे होगे मेरे हिसाब से, जितने भी ब्लॉगर्स होगे वो सारे के सारे सोच पा रहे हो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास कंटेंट पहले से ही है तो बना दो, अगर नहीं है तो इस पर बनाओ और यहाँ पर जाके आंसर के अंदर जाके लिंक डाल दो। अगर मुझे लगता है मेरे मतलब का नहीं है तो मैं यहाँ जाके रिजेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मान के चलता हूँ मैं इसके अंदर हु आर द अर्लियर रिसिपिएंट ऑफ मुझे नहीं चाहिए, मेरे को डालना ही नहीं है आंसर, तो रिजेक्ट हो गया, बात खत्म। मैं यहाँ पे क्लिक करके पूरे पूरी कैटेगरी को रिजेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। जैसे मैंने अभी सैमसंग किया है तो मैंने पूरे सैमसंग को क्लिक किया और पूरी की पूरी कैटेगरी को रिजेक्ट कर दिया। अब नीचे चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर बस बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले लैंग्वेज क्या चाहिए, हिंदी चाहिए या फिर भाषा इंडोनेशिया चाहिए, इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, मुझे इंग्लिश ही चाहिए। कौन से क्वेश्चन चाहिए आपको किस लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, एड लैंग्वेज के अंदर जाके मैं इंडोनेशियन भी कर सकता हूँ। तो इससे ये पता लग रहा है ये टूल है ये सिर्फ 3 कंट्रीज़ के अंदर चलने वाला है, तो बेसिकली इन्हीं लोगों के लिए ये चीज़ बनाई जा रही है। सेंड फीडबैक में जाओगे तो यहाँ पे फीडबैक दे सकते हो, बस इतना सही टूल है और कुछ नहीं है इसके अंदर, यहाँ जाके लॉग आउट कर दो। तो मैंने आपको एक अच्छा सा बैकलिंक बनाने का तरीका बताया, और अगर आपको कंटेंट नहीं समझ में आ रहा बनाना क्या है तो यहाँ से आप बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपनी पूरी कम्युनिटी में भेज देना डिजिटल मार्केटिंग वाली। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।